नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर आया हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर मेरे पास एक नया टॉपिक है। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, आज मेरे पास है टीपी लिंक का राउटर, टीपी लिंक एसी 1200 आर्चर C6 का राउटर है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा एक राउटर है और आपके यहाँ मेहमान आते हैं, यार दोस्त आते हैं, और आपके पास जो डेटा है बहुत लिमिटेड डेटा है, मतलब कि आप डेटा बचा के चलना चाहते हैं, ज़्यादा आप किसी को डेटा नहीं देना चाहते हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग लेकर के आया हूँ दोस्तों कि आप अपने स्पीड को इस राउटर की सेटिंग में जाके किस तरीके से अपनी स्पीड को, अपने वाईफाई की स्पीड को कर सकते हैं कंट्रोल अपनी अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जिनको नहीं पता है उनको इस वीडियो के बारे में पता चले कि टीपी लिंक आर्चर C6 एसी 1200 में बैंडविड्थ को कैसे कंट्रोल करें, स्पीड को कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए टेक्निकल इरशाद अहमद। इसके लिए आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वाईफाई को लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। मैंने अपने राउटर को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। लैन के कनेक्ट करने के बाद वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। इसलिए मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ ताकि उस गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद अपने राउटर के आईपी एड्रेस को डाल करके अपने राउटर को लॉगिन कर सकूँ, राउटर को खोल सकूँ। गूगल क्रोम खोलूंगा और सबसे ऊपर वाले सर्च बार में डालूंगा यहाँ पर राउटर की आईपी एड्रेस, जो कि राउटर के पीछे भी लिखी होगी, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर राउटर की आईपी एड्रेस डाल दी मैंने 192.168.1.1, जो कि मेरे राउटर की आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकती है, आप अपने राउटर में एक बार जरूर देख लीजिएगा। 192.168.1.1 जो कि मेरे टीपी लिंक का राउटर है। आईपी एड्रेस डालने के बाद मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर अपने राउटर का लॉगिन पासवर्ड मैं डाल देता हूँ और डालने के बाद कर दूंगा लॉगिन, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे मैं लॉगिन करूँगा, कुछ हमारा टीपी लिंक राउटर का पेज इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इस सेटिंग को करने के बाद केवल एक बार आपको सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद जितनी भी आप स्पीड की लिमिट लगा देंगे उस डिवाइस को, उतनी स्पीड मिलेगी, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। आप जिस भी डिवाइस को लगाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में QoS का ऑप्शन है, QoS पे क्लिक करना है। इस तरीके का पेज खुलेगा, वहाँ पर सबसे ऊपर देखिए ग्लोबल सेटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर अपलोडिंग बैंडविड्थ और डाउनलोडिंग बैंडविड्थ नीचे दे रखी, मतलब यहाँ आप जितना अपलोड करना चाहते हैं कितने Mbps का कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन डिसेबल है तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। QoS याद रखिएगा, किसी किसी राउटर में डिसेबल होता है तो आपको जनरली नॉर्मली इसको आपको इनेबल कर लेना। जैसे मान ली मैंने डिसेबल कर दिया, इस तरीके का आपके राउटर का कुछ इंटरफेस खुलता है QoS वाला, तो आप पहले आप क्लिक करके इसको इनेबल कर लेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो ऐसा क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है पूरी तरीके से आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और QoS के नीचे देखिए जितनी सारी डिवाइसें कनेक्ट है उसका सबका स्टेटस आ जाएगा। मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप की स्पीड को कम करना चाहता हूं, तो ये डेस्कटॉप करके एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, मैं चाहता हूं इसी की स्पीड कम करूं। अभी फिलहाल 1000 Mbps पे सेट है, मैं चाहता हूं 10 Mbps इसकी स्पीड आए, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे और यहां पर जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है, मेरा लैपटॉप का नाम है। अभी यहां पर डाउनलोड रेट और ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक रेट, प्योरिटी, ये सब आ रहा है। तो फिलहाल मैं सेट करने से पहले एक बार स्पीड चेक कर लूँ, आपको स्पीड चेक करा दूँ। अभी फिलहाल कितनी स्पीड आ रही, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, अभी डेटा लिमिट सेट नहीं की, स्पीड टेस्ट डाल करके मैं रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे अभी वाईफाई के थ्रू जो स्पीड दोस्तों मिल रही है 100, 107, 99। तो दोस्तों, अभी जो फिलहाल हमें स्पीड मिल रही है, कोई भी सेटिंग हमने नहीं की अपने राउटर में, और हमें स्पीड मिल रही 107 Mbps स्पीड मिल रही है, डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों, इस सेटिंग से आप डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिस डिवाइस का चाहते हैं उसका। तो 160 डाउनलोडिंग है और 108 अपलोडिंग स्पीड है। चलिए दोस्तों, हम 107 अभी फिल मिल रही है, तो दोस्तों हम एक बार 10 Mbps की स्पीड लिमिट को सेट कर देते हैं अपने राउटर में। मैं चाहता हूँ कि 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड मुझे इस राउटर से ना मिले हमारे लैपटॉप पे। तो दोस्तों, उसी पेज पर जाते हैं जिस पेज पर हमने ओपन कर रखा था अपना राउटर का लॉगिन पेज, तो उसी पेज पर आ गए। और यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग अपलोड बैंडविड्थ और डाउनलोड बैंडविड्थ, यहाँ पर आप जितना Mbps करना चाहते हैं उतना Mbps कर सकते हैं। मैं 10 Mbps की स्पीड चाहता हूँ, तो 10 डाउनलोडिंग और 10 अपलोडिंग करने के बाद ये मेरा लैपटॉप का है, ठीक है।
और गैलेक्सी A30 कनेक्ट कर रखा है, ओप्पो का फोन कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्पीड भी सेट कर दी है, 10 Mbps की स्पीड सेट की है और सेव कर दिया है। ठीक है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा किसी भी अगर डिवाइस का आप चाहते हैं स्पीड को कम करना या ज़्यादा करना, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कर देंगे आप। अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं, अभी फ़िलहाल हमें कितनी स्पीड मिल रही है। 10 Mbps की हमने लिमिट सेट कर दी थी अपने लैपटॉप की कि हमको 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड ना मिले, तो मैंने 10 Mbps अपलोडिंग और अपलोडिंग टाइप करके सेव कर दिया था। तो दोस्तों अभी जो फ़िलहाल हमने कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो हमें स्पीड मिल रही है 8.74 Mbps स्पीड मिल रही है डाउनलोडिंग, और देखते हैं अपलोडिंग स्पीड हमें कितनी मिल रही है इस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो दोस्तों अपलोडिंग स्पीड मिल रही है 8.27। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने राउटर से अपनी वाईफाई की बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन से। QoS का ऑप्शन होता है टीपी लिंक राउटर में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी हमारे वीडियो को लोग देख सकें जिनको इस वीडियो के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता चल गया इस वीडियो में किस तरीके से अपने टीपी लिंक आर्चर C6C12 के राउटर को लॉगिन करके स्पीड की और उसकी बैंडविड्थ किस तरीके से हम डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।